बताओ भाई, मैं कितना कमाता हूँ यार। नहीं भाई, आप लोग अभी तक यही जानते होंगे कि खेसारी लाल यादव बस कमाते हैं, लेकिन कितना कमाते हैं खेसारी लाल यादव, क्या आपने कभी ये जाना या जानने का कोशिश किया? नहीं। लेकिन आइए आज हम आपको बताते हैं कि खेसारी लाल यादव आखिर महीने का कितना पैसा कमाते हैं और उस पैसे का खेसारी लाल यादव क्या यूज करते हैं, वो पैसा खेसारी लाल यादव किस काम में लगाते हैं। तो भाई आप लोग अच्छे से जानते होंगे खेसारी लाल यादव एक एक्टर हैं और एक सिंगर हैं, तो उनका जो भी इनकम का स्रोत है वो एक्टिंग करने पे और गाना गाने पे ही आता है, लेकिन कितना आता है वो खेसारी लाल यादव ही बताएंगे। महीने का ज्यादा से ज्यादा कमाता हूँ तो 50 लाख रुपए कमाता हूँ। लेकिन एक मिनट, 50 लाख शायद बहुत कम बता रहे हैं खेसारी लाल यादव, लेकिन उनके ही मैनेजर वहाँ पे खड़े होते हैं और कहते हैं कि नहीं ये गलत है। अगर बैंक मैनेजर आगे बढ़ेगी तो अरे गलत, तो इससे गलत। मतलब एक अनुमान अगर लगाया जाए खेसारी लाल यादव के इनकम के बारे में, तो ये जरूर आप कह सकते हैं कि 50 लाख रुपए से ज्यादा ही कमाते होंगे महीने में खेसारी लाल यादव। लेकिन इन 50 लाख से ज्यादा का पैसा का खेसारी लाल यादव करते क्या हैं? अब भाई आप लोग इतना तो जानते होंगे खेसारी लाल यादव बहुत सारे बच्चों को गोद लिए हुए हैं और पता है उनका इनकम का कुछ पैसा वहां भी जाता है, तो खिलाने में, उनको पढ़ाने में और उनको पहनाने में, मतलब इन सब चीजों में तो पैसा खर्चा होता है। और यही सब खेसारी लाल यादव अपना लाइफ का 50% पैसा खर्चा करते हैं, उसके बाद जो भी बचता है वो अपने परिवार के लिए और खुद के लिए रखते हैं, और वही 50% में इंक्लूड होता है जो भी खेसारी लाल यादव अपना जन्मदिन पे खर्चा करते हैं, वृद्धाश्रम जाते हैं या फिर दिव्यांग लोगों का सहायता करते हैं, इन सारे चीजों का खर्चा उठाया जाता है खेसारी लाल यादव के पैसों से। खैर आप क्या सोचते हैं कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। बाकी हमको तो ऐसा लगता है कि इस विषय में खेसारी लाल यादव से बढ़िया इंसान पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई नहीं है।